देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें एज लिमिट कितनी होगी, एजुकेशन कितनी होगी इसमें फ्रेंड्स। इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, सही है, आप इसमें आवेदन फिल कर सकते हो। असम राइफल रिक्रूटमेंट 2021। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपके क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स आज जिस रिक्रूटमेंट की हम बात कर रहे हैं असम राइफल 2021 की है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में देखिएगा जो पद होगी, जो पोस्ट होगी वो GD कॉन्स्टेबल की है। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप ऑनलाइन मोड से ही केवल आपके इसमें आवेदन होगा। इसमें फ्रेंड्स देखिएगा ऑल इंडिया जॉब है, पूरे भारत में कहीं से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें फ्रेंड्स एजुकेशन है फ्रेंड वो 10वीं पास हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। फ्रेंड्स में हाइट क्या होगी, वेट क्या होगा, एज क्या चाहिए इसमें, तो फुल डिटेल आपको इस वीडियो में हम देंगे। फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करेगा, आने वाला न्यू अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करना है, भर्ती की कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हो तो फ्रेंड्स आपको हमारी वेबसाइट पे आना होगा jobinformation.co.in पे। इसका लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां पे आके विजिट कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स देखिएगा 131 इसमें पोस्ट है। पोस्ट नेम की बात करें देखिएगा राइफलमैन जनरल ड्यूटी मेल और फीमेल दोनों के लिए फ्रेंड्स। ये अप्लाई मोड जो होगा इसमें ऑनलाइन मोड से ही आप इसमें आवेदन कर सकते हो। हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिएगा फ्रेंड्स, जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर की बात करें, ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत में आपको जॉब भी कहीं मिल सकती है और एग्जाम सेंटर भी पूरे भारत में कहीं भी हो सकता है। पे स्केल की बात करें फ्रेंड्स में देखिएगा 18,000 रुपये से लेके 69,100 रुपये पर मंथ तक का आपका इसमें पे स्केल रहेगा फ्रेंड्स। एप्लीकेशन फीस की बात करें देखिएगा ऑल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री है, सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल ये फ्री होगी। एज लिमिट की बात करें फ्रेंड देखिएगा कैंडिडेट के लिए 18 साल से लेके 23 साल तक की आपकी आयु है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। देखिए एज रिलैक्सेशन की बात करें हम, आयु में छूट, SC ST कैंडिडेट हो तो 5 साल की छूट होगी, OBC कैंडिडेट हो तो 18 साल से लेके 25 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हो। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो 18 साल से लेके 28 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हो। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, और कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताना हमें। फिजिकल टेस्ट की बात करें देखिएगा फ्रेंड्स, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होना जरूरी है। फ्रेंड्स आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट हो तो 160 सेंटीमीटर की हाइट होना जरूरी है। फ्रेंड्स अगर आपको ये नहीं पता आप कौन से जोन में आते हो, नॉर्थ इंडिया जोन हो या आउट ऑफ नॉर्थ इंडिया जोन हो, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताना, हम आपको रिप्लाई करके बता देंगे आप कौन से जोन में आते हो। देखिएगा फीमेल कैंडिडेट के लिए देखिएगा ऑल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर की हाइट होना अनिवार्य है। अगर आप फीमेल नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट तो 150 सेंटीमीटर की हाइट होना जरूरी है। रनिंग टेस्ट की बात करें देखिएगा मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रेस लगेगी, इसमें वो आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए देख लीजिएगा 800 मीटर की रेस होगी, वो 4 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को कंप्लीट करनी होगी। फ्रेंड्स इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आप हिंदी में लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, कंप्लीट जानकारी आप हिंदी में ले सकते हो। फ्रेंड्स अगर आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हो, जो आप इसमें डॉक्यूमेंट जो चाहेंगे, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जैसे कि फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, फोटो लाइट कलर का होना चाहिए फ्रेंड्स आपका। एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए 10वीं का आपके पास या 12वीं का हो तो आप लगा सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और ID प्रूफ में आपके पास फ्रेंड्स पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, दोनों में से कोई सा भी हो आप इसमें लगा सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स देखिए कैंडिडेट मस्ट भी 10वीं पास हो, कोई से भी बोर्ड से हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें फ्रेंड्स देखिएगा पहले फिजिकल टेस्ट होगा, सेकेंड पर रिटन एग्जाम होगा, तीसरे पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन की फ्रेंड्स देखिएगा 26 जून से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आप इसमें फॉर्म 26 जून से फिल कर सकते हो। लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन की 26 जुलाई 2021 होगा फ्रेंड्स। ये देखिएगा मोर लिंक्स फ्रेंड्स, आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हो फ्रेंड्स, ये लिंक्स आपको 26 जून को एक्टिव हो जाएगा, आप इसमें जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल
कर सकते हो। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हो फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल शिलोंग, ये इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो। फ्रेंड्स इस भर्ती की हिंदी में जानकारी लेना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हो असम राइफल की तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। देखिएगा फ्रेंड असम राइफल नॉर्थ ईस्ट के प्रहरी, देखिए कंप्लीट जानकारी फ्रेंड्स आप यहाँ से भी देख सकते हो, नोटिफिकेशन भी यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स, आप पूरी जानकारी आप यहाँ से भी ले सकते हो। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद जय भारत।